घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा, मैं आपको मिस प्रोनंसिएशंस के ऊपर बताऊंगा कि जो हम उच्चारण गलत करते हैं, क्या वो शब्द भी कहीं इस्तेमाल आते हैं, और क्या गलत उच्चारण करना भी किसी हद तक ठीक बात है। तो ये एक टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ही हूँ जो मैं हर वक्त बताता रहता हूँ कि आपको प्रोनंसिएशन ठीक रखना चाहिए, आपका उच्चारण साफ होना चाहिए, शब्दों की जो बनावट है उनमें जो मात्राएं हैं वो क्लियर लगनी चाहिए। बिकॉज एज अ सिंगर आप शब्दों को जब पढ़ते हैं, जब गाते हैं, तो वो शब्दों के मानी जो हैं, उनकी जो मीनिंग है, वो तभी अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे जब उनके प्रोनंसिएशन साफ होंगे। जब उच्चारण आपके साफ होते हैं तो अपने आप वो जो भाव हैं वो निकल के आ जाते हैं, है ना। जिस पे बहुत वीडियोस में ऑलरेडी दे चुका हूँ कि अल्फाजों के जो अल्फाजों से जज्बातों का क्या कनेक्शन है ना, क्या ताल्लुक है ना, तो वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अल्फाज यानी शब्द होते हैं जो वर्ड्स हैं, उनका क्या रिलेशन होता है इमोशन से, तो वो मैं बता चुका हूँ। पर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मिस प्रोनंसिएशंस पर, कि कभी कभार क्या होता है, हम कई ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण गलत करते हैं। जैसे कि उर्दू के काफ़ी ऐसे लफ्ज़ हैं, काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो हम जब अपनी गीतों में लेते हैं तो कई बार हम उनका प्रोनंसिएशन गलत कर देते हैं। और ये अक्सर होता है जो हमारे देसी, या यूं कहूँ जो रीजनल सॉन्ग्स है या जो रीजनल गायकी है उसमें हम ऐसा करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई ठुमरी गाएंगे या फिर कोई भजन गा रहे हैं जो कि खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा या फिर ऐसे ही अवधि मैथिली इसमें लिखा गया है, तो उसके जो शब्द होते हैं कई बार वो हम थोड़े से टेढ़े मेढ़े कर देते हैं। जैसे कि आपने अगर सुना हो तो जैसे काफ़ी ऐसे भजन है, जैसे नज़रिया जो एक शब्द है हमारा, तो उसको हम नज़रिया कर देते हैं, है ना। और नज़र को हम बोलते हैं तेरी नज़र ना करके नज़र कर देते हैं। और भी ऐसे काफ़ी सारे शब्द हैं, जैसे कि हम तुम्हारी न बोल के तुम्हरी करते हैं। जैसे कि भजन है ब्रह्मानंद जी का कि अब तो सुनो प्रभु अरज हमरिया, है ना, तो ये हमरिया, जबकि इसका ओरिजिनल शब्द क्या है, हमारी, है ना, उसका हमरी भी कर दिया, हमरिया भी कर दिया। ऐसे करके इनके ये जो ये डायलेक्ट है, यानी जो ये बोलचाल की भाषा है जिसमें वो शब्द बदल जाता है, और क्यों वो वैसा ही बोलना उचित है, क्योंकि उसी में भाव है, उसका जो असली भाव है वो उसी में है, उसको वैसे ही बोलोगे। आप पूरी भाषा ब्रज भाषा बोलते बोलते बीच में नज़रिया नहीं बोलोगे, है ना, क्योंकि क्या होता है, जो आसपास के शब्द जिस भाषा में हैं और जिस लहजे में हैं, जिस टोन में हैं, हमें उसी टोन में उस एक शब्द को भी रखना होता है, फिर वो भले ही किसी और भाषा का हो, है ना, और किसी और उसका उसकी मात्राएं कुछ और हों। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जब आप क्या बोलते हैं ठुमरियाँ गाएंगे, जैसे कि वो ठुमरी है एक कि मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए, या फिर उसमें आता है कि ऐसे काफ़ी सारे शब्द आएंगे उसमें जो आप जब गाएंगे, जैसे मैंने लाखों के बोल सहे सितम गर तेरे लिए, है ना। अब इसमें सखी सहेली ऐसे जो शब्द आते हैं जिन जिन गीतों में, वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिनके आपको प्रोनंसिएशन गलत ही करने होते हैं। वहाँ आप ठीक उसका प्रोनंसिएशन नहीं करोगे कि आप बोलो कि नहीं ये तो पूरा, जैसे किसी भजन में प्रयास हिंदी का शब्द है लेकिन उसमें आ रहा है प्रयास, आप अगर बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे अरे यहाँ प्रयास क्यों बोलूँ मैं, है ना, असली शब्द तो यमुना है, मैं जमुना क्यों बोलूं, है ना, मैं यशोदा न यशोदा बोलना चाहिए, जसोदा क्यों बोलूं, श का भी स कर दिया, जसोदा बोला है, जबकि वो ओरिजिनल शब्द क्या है, जशोदा, है ना, यशोदा उसका ओरिजिनल शब्द है, लेकिन जब हम बोलते हैं गाते हैं तो उसको हम जसोदा भी गाते हैं, श का स कर दिया, है ना। देश को हम देश बोल देते हैं कि मेरा देश वीराना है, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे करके जब हम श का स भी कई जगह करते हैं, और वो जानबूझकर करेंगे हम, ऐसा नहीं कि हम हमें पता नहीं है और हम उसी वर्ड को वैसा ही बोलते हैं, हर जगह वैसा बोलेंगे, नहीं, जहाँ आप प्योर भाषा बोल रहे होंगे वहाँ उसका वैसा ही प्रयोग होगा। जैसे कि जब हम बोलते हैं तो कई बार जैसे लिखा होता है तो यह लिखा होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं, वह लिखा होता है हम वो पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि आप समझिए शब्द है खत्म लेकिन हम कई बार बोलते हैं खत्म, शब्द है शक्ल लेकिन हम बोलते हैं शकल, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उसको वैसा पढ़ते हैं, जैसे तन्हा, अब उसमें
हम कई बार क्या होता है गाते गाते उसको तन्हा भी कर देते हैं। ये जो देसी भाषा के जो गीत आएंगे, जब आपको वैसे गीत भी गाने होंगे, वर्सेटैलिटी है आपकी, अगर हर प्रकार के गीत गाते हो तो उस प्रकार की गायकी भी होगी, तब वो टोन आएगा, तब वो लहजा आएगा, तब वो उस तरीके से जब आप गाओगे तो उसमें फिर आपको थोड़ी अशुद्धता की तरफ आना होगा, अपभ्रंश की तरफ आना होगा, क्योंकि उसी में उसकी खूबसूरती है। वरना वो खूबसूरत नहीं लगेगा, वरना वो बड़ा सीधा सीधा और बड़ा प्योर लगेगा। लेकिन जो इम्प्योरिटी की ब्यूटी है ना, जो अशुद्धता की खूबसूरती है, सुंदरता है, वो उसी में है कि आपको थोड़े प्रोनंसिएशन इधर उधर करने पड़ते हैं। लेकिन जानबूझकर इतना आपको जहन में माइंड में रखना होता है कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ, मुझे इसका सही उच्चारण भी आता है, जो कि ये होता है ना। बस इतनी सी चीज़ थी। आप नोट करेंगे जब आप गीतों को गाएंगे, गज़लों को गाएंगे, ठुमरियाँ गाएंगे, या दादरा गाते हैं कोई, या कोई ख्याल गाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वो शब्द तो ये है, लेकिन हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड का चैनल, और ऐसे ही एक्सपीरियंस करें, नई नई चीज़ें आपको ज़रूर मैं सिखाता रहूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।